दादी माँ के घरेलू नुस्खे 23 बेस्ट किचन टिप्स जरूर सुने। एक, मुंह खोलकर सोने से वे लोग दिमाग की टेंशन के शिकार होते हैं। नंबर दो, अगर आपके शरीर में सूजन की समस्या है तो इसके लिए तुलसी के पत्तों से बना काढ़े का सेवन करें। इससे शरीर की सूजन को कम करने में मदद मिलेगी। अगर आपके शरीर में सूजन है तो आप तुलसी के पत्ते लीजिए, उसका काढ़ा बनाइए और फिर पी लें। नंबर तीन, अगर आधे सर का दर्द है तो प्याज को बारीक सा काटकर पैरों के तलवों पर मालिश करें, इससे दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर आपके लू भी लग गई हो तो आप प्याज को काटकर तलवे पर, हाथों की हथेलियों पर और माथे पे दोनों साइड आप अच्छे से मालिश करें, इससे आपके सर दर्द, लू की समस्या खत्म हो जाएगी। नंबर चार, प्याज का अचार खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है। पाँच, कड़वे बादाम का तेल सर पर लगाने से जुएं खत्म हो जाती है। जिनकी जुओं की परेशानी है उनको कड़वे बादाम का तेल लगाना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप सरसों के तेल में नींबू डालकर लगाएं। छः, सरसों के तेल में नींबू निचोड़कर सर पर लगाने से इससे भी जुएं खत्म हो जाती है। नंबर सात, उड़द दाल को धूप में सुखाकर पेस्ट बना लें। इसे टूटी हुई हड्डी पर बांधकर पट्टी बांध लें। इस उपचार को करने से आपकी हड्डी जुड़ जाती है। अगर आपकी हड्डी टूट चुकी है तो आप ये नुस्खा जरूर आजमाएं। नंबर आठ, जो महिलाएं बच्चेदानी में होने वाली सूजन से परेशान हैं, उन्हें दिन में 2-3 बार अपने पैरों को कम से कम 1 घंटे के लिए उठाकर लेटना और आराम करना चाहिए। ऐसा करने से पीड़ित महिलाओं को आराम मिलता है। नंबर नौ, आलू का कम से कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये वादी होता है और वादी चीज़ नुकसान करती है, इसलिए वादी वाली चीज़ों का सेवन करने से बचें, कम से कम सेवन करें। नंबर दस, अगर आपके जुकाम है तो कपूर को रुमाल में रखकर रुमाल को सूंघना चाहिए, इससे जुकाम में आराम मिलता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखी है तो आप छोटी कपूर जो होती है उसको रुमाल में रखिए और उसको सूंघिए, इससे आपको जुकाम में बहुत आराम मिलेगा। नंबर 11, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो हरे केले का सेवन करें। हरे केले में फाइबर से भरपूर होता है जो भूख को कंट्रोल करता है और बॉडी को एनर्जी देता है। हरे केले में कैलोरी की मात्रा कम होती है जो वजन को कंट्रोल करने में सहायक होती है। नंबर 12, सुबह बासी मुंह लहसुन का सेवन करने से दांत के रोग, जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 13, पनीर खाने से हमारी याददाश्त तेज होती है। पनीर में पाया जाने वाला विटामिन बी मेमोरी को बढ़ाता है, तो हो सके तो पनीर घर पर ही बनाएं, और शुद्ध पनीर आप खाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे तो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी और हेल्थी रहेंगे। 14, पानी के साथ मेथी दाना खाने से सीने की तकलीफ दूर होती है। नंबर 15, सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद पानी पीने से आपकी याददाश्त बेहतर होती है। नंबर 16, अगर आपके बाल झड़ने लगे हैं तो आप उबले हुए चावल का पानी से सर को धोएं, इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप एक बार करके देखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 17, रात को कम खाने से मोटापा नहीं आता है, तो जितना हो सके रात के वक्त बिल्कुल ना के बराबर खाएं। 18, सुबह के वक्त अगर आप काफ़ी, चाय की जगह एक सेब खाएंगे तो हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। नंबर 19, अगर तेज बुखार के दौरान हींग का सेवन किया जाए तो बुखार जल्दी उतर जाता है। अगर आपको तेज बुखार है तो आप हींग का सेवन कीजिए। नंबर 20, अगर आपको अक्सर मुंह में छाले होने की समस्या रहती है तो भोजन करने के बाद एक गुड़ का टुकड़ा चूस लें, इससे आपको छाले नहीं होंगे।
नंबर 21, पेट में कीड़े होने पर लस्सी में अजवाइन मिलाकर पिए, पेट के कीड़े मर जाएंगे। नंबर 22, चेहरे पर से तिल और मस्से हटाने के लिए रोज़ एलोवेरा का सेवन करें और एलोवेरा से रात में सोने से पहले अपने चेहरे पर 5 मिनट के लिए मालिश जरूर करें। इससे चेहरे के दाग धब्बे बिल्कुल हल्के हो जाएंगे और धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 23, रात में भिगोया हुआ आधा चम्मच कच्चा जीरा सुबह खाली पेट चबा कर पानी पिए, इससे एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।